अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबाज इमाम व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ जी। आज सुबह मॉर्निंग के 10 बज गए हैं और मैं अभी आप जैसे पीछे देख रहे हैं कि एमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर हूँ। मेरे दोस्त हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कल के वो एडमिट थे, तो मैं उनका पता करने था, लेकिन ऑफकोर्स उन्होंने मिलने नहीं दिया क्योंकि इमरजेंसी के अंदर जो है वो विज़िट अलाउड नहीं है। कल मुझे इनका मैसेज रिसीव हुआ था कि आपके जो पेशेंट हैं वो एनालिसिस के अंदर हैं, तो मैंने सोचा शायद मिलने भी दें, तो मैंने ट्राई मारी, जुगाड़ मारा, नहीं लगा। सो मैंने सोचा कि वो वीडियो बना के आपको भी अपडेट कर दे, जो लोग नए आ रहे हैं जिनको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है पुर्तगाल में, कि किस तरह आपने फैसिलिटेट करना है। क्योंकि आपको सिस्टम बता दूं, यहाँ का इमरजेंसी का सिस्टम ये है कि आप इमरजेंसी में भी यहाँ पे आते हैं तो आपको 3 घंटे वेट करना पड़ता है जी। ये पुर्तगाल की इमरजेंसी है। यहाँ पर जी हवा चलना शुरू हो गई है, तो हम आगे को थोड़ा मूव करते हैं वरना वीडियो में फुर ज़्यादा होगी और मेरी आवाज़ कम आएगी। तो सीन ये है कि जी जब आपने इमरजेंसी में आना है तो आपको 3 घंटे वेट करना है। और आपसे आपने इससे बचना कैसे है, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपने खुद या कोई प्रॉब्लम है तो आपने खुद चल के नहीं यहाँ आना। अगर खुद चल के आएंगे तो समझे बंदा तंदुरुस्त वेट कर सकता है, तो आपको ये 3 घंटे वेट करवाएंगे। उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है जी, आपने 112 के ऊपर जो है वो कॉल करनी है, 112 नंबर के ऊपर इमरजेंसी हेल्पलाइन है, और आपने अपने एक्सप्लेन करना है। इंग्लिश भी बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पुर्तगीज ही बोलें, तो आप इनके साथ इंग्लिश भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरल मेडिकेशन इनकी, आपको पता है यूरोप की एम्बुलेंस होती है, इनके अंदर ही जनरल मेडिकेशन देते हैं। अगर वहीं पर ठीक हो जाए वो आके आपकी सारी रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन आपने इन्हें यही कहना है कि भाई पेन है या जो भी है इमरजेंसी है बस, तो वो आपको फिर इमरजेंसी में जो एम्बुलेंस में जो स्टाफ होता है फर्स्ट एड, वो आपको जो इमरजेंसी में ले जाएंगे। जब इमरजेंसी में आप आ जाएंगे तो फिर आपको वो जो उसमें आपको जल्दी मेडिकेशन देंगे, वरना आप खुद चल के आएँगे तो आपको वो ला के यहाँ बिठा देंगे। इवन कि एम्बुलेंस में भी अगर आपको नॉर्मल माइनर कोई प्रॉब्लम है तो एम्बुलेंस वाले फिर वो देखते हैं कि आपको प्रॉब्लम किस किस्म की है, तो उस हिसाब से फिर वो आपको इमरजेंसी में लेके जाते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आप खुद चल के आते हैं यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर, तो आपको 2-2.5 घंटे आपको वेट करना पड़ता है अपनी बारी का, क्योंकि यहाँ पर रश होता है। और उसके बाद फिर जब आप इमरजेंसी में चले जाते हैं, जो आपके साथ जो लोग होते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता, वो अपना जो आपका नंबर है वो वहाँ पर जमा जो लिखवा दें काउंटर के ऊपर, जो रिसेप्शन है वो आपको साथ साथ अपडेट करते रहें कि आपका पेशेंट क्या प्रोसेस चल रहा है, एनालिसिस के अंदर है या उसकी मेडिकेशन क्या चल रही है। तो अगर आप उनको डिस्चार्ज करने वाले हैं हॉस्पिटल से, वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे अभी मैं सुबह आया हूँ, या तो मैंने जुगाड़ मारने की कोशिश की है कि मैं मिल लूँ उनसे, लेकिन मिलने नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा जी नहीं, अलाउड नहीं है इमरजेंसी में, हमारी जो नर्स है वो आपको कॉल करेगी, तो फिर आप आके जो है ना उनसे मिल सकते हैं, या जब आपको कॉल करें, जब उनको डिस्चार्ज करेंगे आके अपने पेशेंट को आप रिसीव कर लें। एक बात का जो आपने ख्याल रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आपने एम्बुलेंस को कॉल करनी है तो जो आपका एड्रेस है काइंडली कोशिश किए उसको रट लें, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक से बताएं, क्योंकि हमारी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, उनको समझ नहीं आती। तो आपने उनको उसको लिख लेना है, या फिर आपने उसका जो पोस्टल कोड है उनको लाजमी पोस्टल कोड भी बताना, ताकि वो एग्जैक्ट एड्रेस पे आए। समटाइम होता है कि हम एड्रेस ठीक से प्रोनाउंस कर नहीं पाते तो वो गलत एड्रेस पर चले जाते हैं। बाकी जी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको, मेरा ख्याल है, बट आपका ख्याल क्या है वो मुझे नहीं पता। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनके से मैं गुजर चुका हूँ या गुजर रहा हूँ, वही आपसे जो शेयर किए जाएं, ना कि इधर उधर की सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है ना वीडियोस बना के आपको जो है ना वो अजीब सी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो जी अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कोई हेल्प डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या कुछ इस तरह की चीज़, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो है मुझे मैसेज करें। सेकंड चैनल है बाइक का फैमिली चैनल है लाइवी शहबाज, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें, वहाँ पे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये मेडिकल की जो चीज़ें होती हैं बड़ी सेंसिटिव सी होती हैं, जैसे मेरी एक बहन आई थी पाकिस्तान से, तो वो पता नहीं किसी एजेंट के हाथ चढ़ गई, तो उनकी डिलीवरी थी तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई उसके अंदर। तो इसलिए बचें, एडवाइस किसी अच्छे बंदे से लें, क्योंकि ये भी एक कहते हैं सदका जारिया होता है कि आपका फ़र्ज़ है किसी को अच्छी एडवाइस करना। तो उस एजेंट ने पता नहीं क्या उनसे क्या किया क्या नहीं किया, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम मैं भी उनकी हेल्प नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये है कि मैं, ये पिछले मंथ की बात है, मैं पाकिस्तान जा रहा था इमरजेंसी में, तो फिर पाकिस्तान में रह कर मैं हेल्प नहीं कर सकता था उनकी। हाँ को ट्राई की मैंने जहाँ तक हो सकी, लेकिन ये होता है समटाइम होता है कि आप अपनी एफ़र्ट्स पूरी लगाती हैं तो आप उन एफ़र्ट्स पर पूरा नहीं उतर सकते, आप किसी की हेल्प नहीं भी कर सकते। तो जिनकी नहीं हुई हेल्प जी, उन सबसे माजरत। तो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।